हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे राजस्थानी तरीके से मक्की के खींचा पापड़। इसे बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम इसके सही टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो ये पापड़ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, एक भी पापड़ फटेगा नहीं। तो चलिए इन मक्की के पापड़ को बनाना शुरू करते हैं। एक कटोरी हमने मक्की का आटा लिया है, इसे हमने अच्छे से छान लिया था। आप मक्की के आटे को किसी कप के माप से या बड़े बर्तन के माप से भी ले सकते हो। अब एक पतीला लिया है, इसमें डालेंगे हम 2.5 कटोरी पानी। एक कटोरी मक्की का आटा है तो उसी के हिसाब से 2.5 कटोरी हम पानी डालेंगे। आटे को पकाने के लिए भारी पेंदे वाला ही बर्तन लीजिए। तो ये देखिए, हमने 2.5 कटोरी इसमें पानी डाल दिया है। अब इसको गैस पर चढ़ाएंगे और पानी को अच्छे से उबलने देंगे। पानी उबल रहा है, तब तक यहाँ पे हमने 1 चम्मच पापड़ खार लिया है। 1 चम्मच लेंगे नमक, 1 चम्मच साबुत जीरा, 1 चम्मच सूखी कुटी हुई लाल मिर्ची और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और ये देखिए, पानी में बहुत ही बढ़िया तरीके से उबाल आ चुका है। अब इसमें डालेंगे हम ये मसाले और इसे थोड़ा सा हिलाकर 2 से 3 मिनट इसे पका लेंगे। अब पानी और मसाले अच्छे से उबल चुके हैं, इसको हम गैस से उतार कर नीचे रख देंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा मक्की का आटा और चम्मच से हिलाते जाएंगे। आप चाहें तो पानी को ठंडा करने के बाद मक्की का आटा भी डाल सकते हो। तो गर्म पानी में भी आप इस तरीके से थोड़ा थोड़ा आटा डालिए और इसे हिलाते रहिए, जिससे कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना बने। फ्रेंड्स, ये वीडियो आप पूरा देखिए और इसे फॉलो कीजिए, तभी आपके मक्की के पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। और ये देखिए, हमने सारे मक्की के आटे को इसमें डाल दिया है और इसे अच्छे से हिलाते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले पानी को अच्छे से गर्म होने देना है, उसके बाद मसाले डालेंगे। मसाले को भी हम 2 से 3 मिनट पकाएंगे, फिर इसके बाद में इस तरीके से हम आटा डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 से 3 छोटे चम्मच तेल। आप यहाँ पे पानी का भी यूज़ कर सकते हो। इसे चारों तरफ से आपस में एक कर लेंगे और इस तरीके से हम आटे को फैला देंगे। 1 से 2 चम्मच हमने इसमें तेल डाला है, आप चाहें तो हाथ को गीला करके इस तरीके से इसे फैला दीजिए। तो अब इसको ढककर लो फ्लेम में इसे पकाएंगे और 1 से 2 बार इसे बीच बीच में हिलाते रहेंगे। अब हमने इसे गैस से उतार लिया है और इसे चम्मच से हिला देंगे। तो यहाँ पे हमने आटे को अच्छे से पक जाए इसके लिए एक सूती कपड़ा लिया है, इसको हमने अच्छे से गीला कर लिया था। आप कोई भी किचन टॉवल का यूज कर सकते हो। तो कपड़े को हमने गीला कर लिया है और इस पतीले के ऊपर अच्छे से इसे पैक कर लिया है। अब इसका ढक्कन लगा देंगे और इसे गैस पर चढ़ा देंगे। कपड़ा लगाने से बाहर बिल्कुल स्टीम नहीं निकलेगी और आटा अच्छे से पक जाएगा। 30 से 40 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम में इसे पकाते हुए। अब गैस से हमने इसको उतार लिया है और चम्मच से इसको डालेंगे हम एक बड़ी सी परात में। कपड़े को हम ढककर ही रखेंगे ताकि ये आटा बिल्कुल ठंडा ना हो। तो अब इसमें डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच तेल और इस तरीके से फ्लैट वाली कटोरी लेकर इसको अच्छे से मसल लेंगे, जिससे कि जो भी अगर कोई गुठलियाँ बची हो तो वो आटे में अच्छे से मिक्स हो जाएगी। तो कटोरी से हमने इसको अच्छे से मसल लिया है। अब आटे को इकट्ठा कर लेंगे। अब हाथों में तेल लगाकर इसके पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। मक्की के पापड़ को बस सही तरीके से पकाना जरूरी होता है, अगर आटा कच्चा रह जाएगा तो पापड़ बिल्कुल फट जाएंगे। तो पानी को भी हमें अच्छे से पकाना है और आटे को भी हमें बढ़िया से पकाना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हम गोल गोल पेड़े इसके बनाकर तैयार कर लेंगे। जब इसके हम पापड़ बना लेंगे, इसके बाद ही हम दूसरा डो लेकर उसे चिकना करके इसी तरीके से पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। अब पापड़ बनाने के लिए यहाँ पे हमने एक प्लेट ली है। आप चाहें तो पापड़ बनाने की मशीन का भी यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक की थैली ले ली है, दोनों के ऊपर हमने अच्छे से तेल लगा लिया है। अब हम पेड़ा लेकर थैली के ऊपर रखेंगे और फिर उसके ऊपर थैली रखकर हल्के से प्लेट को दबा लेंगे। तो ये देखिए, कितना बढ़िया ये पापड़ बन चुका है। थोड़ा सा भी अगर साइड से ये मोटा पतला है तो उसे आप उंगली से सेट कर लीजिए। तो इसे हम सूती कपड़े के ऊपर सुखा लेंगे और इसी तरीके से हम दूसरा पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेंगे।
फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। यूँ तो मक्की के पापड़ को बनाने में मक्की के आटे में कॉर्नफ्लोर, मैदा या गेहूं का आटा मिक्स करके पापड़ बनाकर तैयार करते हैं, लेकिन अगर आप पूरा मक्की के आटे से इस तरीके से पापड़ बनाएंगे तो यकीन मानिए फ्रेंड्स, आपके पापड़ बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे पापड़ को बनाकर तैयार कर लिया है। 2 से 3 घंटे बाद इसको हम पलट देंगे और ये देखिए, 2 से 3 घंटे बाद पापड़ हल्के से सूख चुके हैं, तो इसे हम पलट देंगे ताकि ये दोनों तरफ हल्के से सूख जाएं। उसके बाद ही हम इसको धूप में सुखाएंगे। आप चाहें तो पापड़ को हल्की सी धूप में भी बनाकर तैयार कर सकते हो। और ये देखिए फ्रेंड्स, 1 दिन पंखे के नीचे सूखने के बाद इसे हमने धूप में सुखा दिया है और देखिए, 2 दिन की धूप में ही ये कितने बढ़िया तरीके से सूख चुके हैं। एक भी पापड़ फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट ये पापड़ बनकर तैयार हुए हैं। मक्की के पापड़ थोड़े से मोटे ही बनते हैं और इसे हम 2 तरीके से पकाना बताएंगे। एक तो तेल से फ्राई होगा और दूसरा बिना तेल के ऐसे ही सेक कर तैयार करते हैं। तो कढ़ाई में हमने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसमें डालेंगे पापड़। पापड़ को दोनों तरफ से फ्राई करके निकाल लेंगे। अगर आपको फ्राई करके पापड़ खाना पसंद है तो आप इस तरीके से तेल में डालकर फ्राई कर सकते हो या फिर आप इसे सेक कर भी खा सकते हो। बिना तेल के सेक कर भी खाना ये पापड़ बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने थोड़े से पापड़ को तेल में फ्राई कर लिया है। अब हम सेकना बताएंगे। तो पापड़ को हम लो फ्लेम में इस तरीके से दोनों तरफ उलटते पलटते हुए बढ़िया से सेक लेंगे। तो आप दोनों तरीके से मक्की के पापड़ को खा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको मक्की के ये पापड़ की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले। इन पापड़ को एक बार बनाकर लंबे समय के लिए स्टोर करते हैं, तो एक बार आप भी मेरे तरीके से पापड़ की ये रेसिपी ट्राई ज़रूर कीजिए।